दोस्तों, आपको साजन का नमस्कार। आपका हमारी दुनिया में स्वागत है। दोस्तों, आज बात उन लोगों की है जो हमेशा ऊपर वाले को या अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। ऐसे भाइयों से सिर्फ मैं यही बात कहना चाहूँगा कि भाई, दोस्त न तो ऊपर वाले का है न ही आपकी किस्मत का। दोस्त है तो सिर्फ और सिर्फ आपका, क्योंकि आपने अब जब भी देखा, अपनी मुश्किलों को देखा, अपनी परेशानियों को देखा, अपनी स्थितियों को देखा, आपने तो अपने हुनर को देखा ही नहीं, उन पे काम किया ही नहीं, अपने टैलेंट को दुनिया में दिखाया ही नहीं, अपने हुनर को दुनिया वालों के सामने रखा ही नहीं, जिसे ऊपर वाले ने सिर्फ आपको ही दिया है। आपको बस उसे पहचानने के बाद उसका इस्तेमाल करना है। जैसे एक हिरन कस्तूरी की सुगंध को इधर उधर ढूंढता फिरता है, परेशान रहता है, मगर वह सुगंध उसके अंदर होती है। उसे ज़रूरत होती है तो सिर्फ अपने मन को शांत करने की। अगर वो अपने मन को शांत करके देखे, महसूस करे, तो उसे पता चल जाएगा कि वो जिस चीज़ को इधर उधर ढूंढता फिर रहा है वो कहीं और नहीं, उसके अंदर ही है। इसी हिरन की तरह हम और आप भी हैं, जो दुनिया भर के काम काजों में इस कदर उलझे हुए हैं कि हमें खुद के बारे में पता ही नहीं। हम वो काम करते ही नहीं या अपने हुनर को पहचान ही नहीं पाते जो हमारे अंदर है। अगर हम शांत होकर अपने अंदर के कलाकार को पहचाने, अपने हुनर को पहचाने, तो हमें पता चले कि हमें क्या है, हमको क्या करना चाहिए जो हमारे लिए अच्छा है, या मैं इस चीज़ के लिए ही बना हूँ। दुनिया में अधिकतर लोग इसी वजह से गरीब और परेशान रहते हैं कि वो अपने हुनर का, अपने पैशन का इस्तेमाल करने की बजाय दूसरे कामों में अपना समय बर्बाद कर देते हैं और भगवान को या अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ के साथ कुछ ऐसा ही कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरी बातों पर गौर कीजिए। ठंडे दिमाग से मन को शांत करके अपने अंदर के कलाकार को, अपने हुनर को ढूंढिए और उस पर काम कीजिए। आपके अंदर कुछ भी हुनर हो सकता है, जैसे कि क्रिकेट खेलना, अच्छा बोलना, पेंटिंग करना, अच्छी मूर्तियाँ बनाना, गाना गाना, एक्टिंग करना, लिखना, शायरी का शौक़, या और भी बहुत कुछ जो आपका पैशन है, जिसे आप दिल से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप उस चीज़ को अपना करियर बनाएं जो आपका पैशन है, जिसमें आपको मज़ा आए, जो आप सच्चे मन से करना चाहते हैं या कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के द्वारा अपने अंदर के हुनर को पहचानने में काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप अब से अपने टैलेंट के ऊपर काम करेंगे, अपने पैशन के ऊपर काम करेंगे और एक बेहतर लाइफ जिएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए साजन का नमस्कार स्वीकार करें। और हाँ, अगर अपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे और आप उससे लाभ उठा सकें। तो चलते चलते एक बार फिर साजन का नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।